वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ आज आपके लिए एक नवरात्रा के लिए स्पेशल पिक्चर एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो जैसा गाइस आपने वीडियो के थंबनेल में देखा, आज हम कुछ इस प्रकार से पिक्चर एडिटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ने वाला है जिसका नाम है पिक्सआर्ट। तो अगर गाइस आपके पास मेरे वाला पिक्सआर्ट का प्रीमियम वर्जन नहीं है तो गाइस मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ पर जाकर मुझे डीएम करके मेरे वाला पिक्सआर्ट ले सकते हो। तो चलिए गाइस पिक्सआर्ट ओपन कर लेते हैं हम। तो देखिए गाइस पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर टैप करना है और गाइस आपको यहाँ पर ऑल फोटो पर क्लिक करना है। तो गाइस मैं यहाँ पर जितने भी बैकग्राउंड और पीएनजी वगैरह यूज़ करने वाला हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस आपको यह वाला बैकग्राउंड है जो सेलेक्ट कर लेना है। देखिए गाइस हमारा बैकग्राउंड इमेज आ चुका है। तो इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर देखिए इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और गाइस अब आपको यहाँ पर देखिए इस ब्लर वाले इफेक्ट में जाना है और यहाँ पर देखिए गाइस ये ब्लर वाला इफेक्ट है, ये ब्लर इफेक्ट है जो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो इसको गाइस यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर हो गया तो इस पर क्लिक करना है और इस पैड को थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना है कुछ इतना। तो इतना करने के बाद गाइस आपको एक बार राइट के निशान पर टिक कर देना है और फिर गाइस आपको अपने स्मार्टफोन का रोटेशन ऑन करना है और अपने मोबाइल को कुछ इस प्रकार से टेढ़ा कर देना है, रोटेट कर लेना है, जिससे हमें इमेज एडिट करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर एक कपलिंग फीचर का जरूरत पड़ने वाला है। तो जैसे गाइस आपको मेरी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपको कुछ इस तरह से अपना एक अच्छा सा पोज देकर पिक्चर शूट कर लेना है और उस पिक्चर का पीएनजी इमेज बना लेना है। मैंने पहले से बना रखा है गाइस। तो अगर गाइस आपको अपना पीएनजी इमेज बनाना नहीं आता है तो गाइस इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें मैंने बताया कि आप किस तरह से अपना एक अच्छा सा पीएनजी इमेज बना सकते हो। तो गाइस आपको यहाँ पर देखिए स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ऐड फोटो पे जाना है और वो अपना पीएनजी इमेज है आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है और फिर गाइस अपनी इमेज को थोड़ा सा आपको जूम करना है और गाइस आपको यहाँ पर कुछ इतना जूम कर लेना है और गाइस आपको एकदम डाउन में यहाँ पर सेट कर लेना है और फिर गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है कहीं पर भी और फिर से गाइस ऐड फोटो पे चले जाना है और गाइस आपको यहाँ पर माता रानी का पीएनजी इमेज है वो गाइस सेलेक्ट कर लेना है और इस इमेज को गाइस थोड़ा सा आपको यहाँ पर जूम करना है और अपने हाथ के हिसाब से कुछ इस तरह से इसको सेट कर लेना है। गाइस यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से कर लेना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर देखिए इरेजर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर गाइस क्लिक करना है और दोनों उंगली से टैप करके कुछ इस तरह से जूम कर लेना है और गाइस यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपको इसको हाथ के अंदर फिट कर लेना है और गाइस यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से आपको कुछ इस प्रकार से अपने हाथ के हिसाब से इसको सेट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से सेट कर लेने के बाद गाइस आपको राइट के निशान पर टिक कर देना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर देखिए एक बार कहीं पर भी स्क्रीन पर टैप कर देना है और फिर से गाइस ऐड फोटो पर क्लिक करना है। तो गाइस अब आपको यहाँ पर एक रेड रिबन का इमेज है वो गाइस सेलेक्ट कर लेना है और इसको गाइस आपको थोड़ा सा छोटा करना है और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपको इसको अपने हेड के ऊपर कुछ इस तरह से इसको सेट कर लेना है। यहाँ पर देखिए गाइस कुछ इतना सेट नहीं हो रहा है तो गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है, दोनों उंगली से जूम करना है अपनी इमेज को और फिर गाइस आप यहाँ से कुछ इस तरह से आपको इसको अच्छे से सेट कर सकते हो। तो चलिए गाइस इसको यहाँ से अच्छे से सेट कर लेना है आपको। ठीक है, इस साइड में कुछ यहाँ पर अच्छे से सेट नहीं हो रहा है तो इसको गाइस आपको यहाँ पर देखिए फ्लिप रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और गाइस आपको यहाँ पर देखिए थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है जिससे इसका रोटेशन चेंज हो जाएगा, इस साइड में आप इसको सेट कर सकते हो। तो चलिए गाइस इस साइड में हम इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं और गाइस इसको अच्छे से सेट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक बार राइट के निशान पर टिक कर देना है और फिर से गाइस आपको यहाँ पर देखिए ऐड फोटो पर जाना है और गाइस अब आपको यहाँ पर दो रेड रिबन के पीएनजी इमेज मिलेंगे वो गाइस सेलेक्ट कर लेने हैं और फिर गाइस यहाँ पर देखिए इस साइड में यहाँ पर इस दुपट्टे को आपको यहाँ पर देखिए फ्लिप रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है जिससे इसका रोटेशन चेंज हो जाएगा और इसको गाइस थोड़ा सा जूम करना है, इसको एक बार आपको यहाँ पर रखना है और इस वाली इमेज को यहाँ पर लेकर आना है इस साइड में और फिर से गाइस इस पर क्लिक करना है और इसको गाइस थोड़ा सा और जूम कर देना है और यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है इस साइड में और गाइस आपको इस वाली इमेज पर क्लिक करना है और इसको गाइस यहाँ पर देखिए फ्लिप रोटेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसका भी गाइस इसका रोटेशन है जो चेंज कर लेना है, इस साइड में कर लेना है और इस इमेज को गाइस आपको यहाँ पर सेट कर लेना है, यहाँ पर कर सकते हो गाइस आप। और फिर गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है, फिर से गाइस ऐड फोटो पर जाना है। तो गाइस अब आपको यहाँ पर फायर इफेक्ट का पीएनजी इमेज है वो गाइस सेलेक्ट कर लेना है और इस इमेज को गाइस आपको जूम कर लेना है फुल
और गाइज इसका रोटेशन इस तरह से चेंज कर लेना है इतना कुछ इस तरह से, और फिर गाइज इसको एकदम से यहाँ पर डाउन में करना है, और गाइज आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग मोड पे जाना है और इसको गाइज स्क्रीन पर टिक कर देना है, और गाइज आपको एक बार यहाँ पर कहीं पर स्क्रीन पर टैप कर देना है। तो इतना करने बाद गाइज आपको फिर से एड पोर्ट पर क्लिक करना है, और गाइज आपको यहाँ पर एक ब्लर्ड का पीएनजी इमेज है वो ऐड कर लेना है, और इस इमेज को थोड़ा सा छोटा करना है, और गाइज यहाँ पर सेट कर लेना है, थोड़ा सा और छोटा कर लेना है गाइज कुछ इतना, और फिर से गाइज आपको यहाँ पर एक बार कहीं पर भी स्क्रीन पर टैप करना है, फिर से गाइज ऐड फोटो पे जाना है, और गाइज आपको यहाँ पर कलर का पीएनजी इमेज है वो गाइज सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए गाइज हमारा इमेज आ चुका है, तो इसके बाद गाइज इसको जूम करना है आपको अपने स्क्रीन के हिसाब से कुछ इतना जूम कर लेना है, और गाइज एकदम डाउन में यहाँ पर सेट कर लेना है, और फिर गाइज आपको एक बार कहीं पर भी स्क्रीन पर टैप करना है, फिर से गाइज ऐड फोटो पे चले जाना है, और गाइज आपको यहाँ पर हैप्पी नवरात्रि टेक्स्ट पीएनजी इमेज है वो गाइज सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए गाइज हमारा इमेज आ चुका है, तो इसको गाइज थोड़ा सा छोटा करना है, और ऊपर गाइज आपको यहाँ पर सेट कर देना है, और फिर से गाइज एक बार कहीं पर भी स्क्रीन पर टैप कर देना है और ऐड फोटो पे क्लिक करना है, और गाइज आपको यहाँ पर माँ दुर्गा नाम से टेक्स्ट पीएनजी इमेज है वो गाइज सेलेक्ट कर लेना है, और गाइज इसको आपको यहाँ पर सेट कर लेना है, यहाँ पर डाउन में यहाँ पर सेट कर लेना है। तो इतना करने बाद गाइज आपको एक बार राइट के निशान पे टिक कर देना है। देखिए गाइज हमारा इमेज एडिट कंप्लीट हो चुका है, तो लेकिन गाइज इसमें अभी भी यहाँ पर फिल्टर और इफेक्ट लगाना बाकी है, तो इसके लिए गाइज आपको सिंपली एफएक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए गाइज मेरे इस प्रीमियम पिक्सआर्ट में सभी इफेक्ट और फिल्टर है जो बिल्कुल फ्री है, आप कोई सा भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, और चलिए गाइज मैं एक बार ये वाला इफेक्ट यूज कर लेता हूँ, और फिर गाइज आपको राइट के निशान पे टिक कर देना है। तो देख सकते हो गाइज हमारा इमेज एडिट होने के बाद कितना मस्त लग रहा है। तो गाइज अब आप इसे गैलरी में सेव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर देखिए एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर गाइज क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देखिए गाइज आपको सेकंड वाला ऑप्शन मिल जाएगा गैलरी का, तो इस पर क्लिक कर देना है जिससे हमारे इमेज है जो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और गाइज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको आगे किस वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए भाई आपके लिए लेकर आएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद जय भारत।